अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ब्यूटी कम्स थ्रू ब्यूटीफुल माइंड्स एंड ब्यूटीफुल आइज। आप मेरे आसपास देख रहे हैं, मेरे आर भी और पार भी, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। आज मैं मौजूद हूँ कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में। ये यूनिवर्सिटी पाई जाती है सिहाला में। सिहाला का तो हर किसी ने सुना हुआ होगा। सिहाला कहाँ पर है? इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर सिहाला पाया जाता है और सिहाला में ये यूनिवर्सिटी पाई जाती है। A few moments later. विजिट वैसे तो मेरा एक रैंडम सा विजिट था, बस ऐसे अचानक ही आना हुआ, लेकिन यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ज़िम्मेदार है और अच्छी है, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के जो ये प्लाट बने हुए हैं और यहाँ की बिल्डिंग्स और बिल्डिंग के अंदर की जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं आपको कैफेटेरिया में लेकर चलता हूँ, वहाँ का भी ना आपको नज़ारा दिखाता हूँ। कैफेटेरिया काफ़ी मज़े का था, तो मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। A few moments later. और ये यूनिवर्सिटी के ना ई और एम ब्लॉक हैं, और इसके अलावा वो सामने वाले ए बी सी और डी ब्लॉक हैं। सी के डी के बाद ई ये है और फिर ये एम है। तो मेरे ख्याल में शायद अगर कोई ई के बाद एफ जी एच होगा तो वो अंदर ही होगा। A few moments later. यूनिवर्सिटी का ये वाला कैफेटेरिया हॉल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, मैं आपको सारा दिखाने की कोशिश करता हूँ और घूम जाता हूँ। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं यहाँ पर, जो जो मंजिलें एंजॉय करना चाहे वो यहाँ पर एडमिशन लें और आके एंजॉय करें। आज वैसे सैटरडे है, ऑफ है, तो इस वजह से रश नहीं है, और थोड़े से ही लोग हैं जो मेरी तरह विज़िट के लिए आए हुए हैं, तो वही ही हैं, बाकी कुछ नहीं है। स्टाफ काफ़ी अच्छा है कैफेटेरिया वाला, इनसे जो बात हुई मेरी और जो कुछ हमने इनसे लिया, तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी इफेक्शन और अच्छा बिहेवियर शो किया, तो इससे लग रहा था कि मैनेजमेंट ने ना काफ़ी सोच समझ कर इनको कैफेटेरिया का ठेका दिया हुआ होगा। A few moments later. सबसे मज़े की ना जो चीज़ है वो ये टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी वालों की ये है कि इन्होंने ना अपनी पार्किंग में जो शेड्स बनाए हुए हैं वो इनके सोलर प्लेट्स के हैं, तो पार्किंग की पार्किंग है और बिजली की बिजली बना रहे हैं, तो इन्होंने बिजली के कनेक्शन नहीं लिए हुए, तो ऑलमोस्ट जो इनकी ना इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो इनकी इसी पार्किंग वाले शेड्स, मतलब कि सोलर प्लेट्स वाले शेड्स से पूरी हो रही है। बाकी अगर ज़्यादा मसला हो तो इन्होंने जनरेटर लगाए हुए हैं और उनमें डीजल दौरक मौजूद होता है, तो वो जनरेटर्स को यूज़ कर लेते हैं। A few moments later. ये वाला प्ले ग्राउंड एरिया है इसका ना, ये वसी और रिज जो ग्राउंड है ये क्रिकेट का है, इसके अलावा वो वाला स्नोकर, ये वाला टेनिस, और इसके अलावा मैं आपको आगे ले कर चलता हूँ, बाकी जो जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बास्केटबॉल कोर्ट कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का। ये वाला वॉलीबॉल का नेट है और उसके आगे शायद हाँ नज़र आ रहा है वो फुटबॉल ग्राउंड है, और उससे थोड़ा सा आगे हार्ड बॉल वाली पिच बनी हुई है, तो बंदा शंदा कोई नहीं है कि जिससे मैं आपको मिलवा सकूं और आपकी बात करवा सकूं। फ़िलहाल आपको मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। ग्राउंड आपको नज़र भी आ रहा है, काफ़ी प्यारा है, तो इससे साबित हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और वैसे भी ये एक वेल मैनर्ड और ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी है। मैनेजमेंट मैंने जो विज़िट किया है, इससे लग रहा है कि मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की ना, कि समझ आ रही है हर चीज़ ना परफेक्ट है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। A few moments later. अभी मैं आ गया हूँ ए बी सी और डी ब्लॉक में। पीछे आपको चलें व्यू दिखा देता हूँ, चलते हैं। आई थिंक सो बी ब्लॉक ओपन है, उसका एक रूम को आपको विज़िट करवा देते हैं ताकि पता चल जाए। काली बिल्ली भाग रही है, बिल्लियाँ हैं इधर। ये लेक्चर रूम का छोटा सा व्यू है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है ये पीछे,
हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चेयर्स काफ़ी अच्छी हैं, ऐसे करके बैठ जाए, ये टेबल है गली के लिए, ठीक है सिस्टम, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दिया करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए मैं आपका अपना ज़ीशान खान नियाज़ी, अल्लाह हाफिज़।